मुझे इस बार पूरी विश्वास है कि इस बार पार्टी मुझे माला पहना के काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले, हम शुरू से भाजपा हैं, भाजपा थे और रहेंगे। पार्टी हमको टिकट ना दे फिर भी मैं भाजपा जुड़ाऊंगा, शुरू से भाजपा लड़ा फैसला स्वीकार करूंगा। अगर कहेंगी भाजपा कार्यकर निर्दलीय चुनाव लड़ना, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। संगठन फैसला लेगी वही फैसला मैं एक्सेप्ट करूंगा। शिक्षा निश्चित तौर पे जो ये कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे प्रदेश नेतृत्व इस पे विचार कर रही है। जहाँ जहाँ के कार्यकर्ताओं का एक मांग है, जो स्नेह है, निश्चित तौर पे जो कि है आने वाला समय गौतम या साजी का होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। जमुई जिले के झाझा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एक निजी विवाह भवन में आयोजित किया गया। बैठक में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के संगठन के स्वरूप को तय सीमा अवधि में मजबूत बनाने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए गए। पूर्व के विधानसभा कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सभी मंडल अध्यक्षों ने अपनी कार्य समिति की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रसिद्ध समाज सेवी सह हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ नीरज साह मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी माटी अपना देश कार्यक्रम के तहत झाझा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गुलाब चंद्र गुप्ता के आवास से अमृत कलश में सैकड़ों भाजपाई कार्यकर्ताओं के साथ उनके आंगन की पवित्र मिट्टी ली गई। आपको बताते चलें कि डॉक्टर नीरज साह के द्वारा लगातार क्षेत्र के बीच जाकर भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराते रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में होने वाले सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। उनके द्वारा कुछ माह पूर्व आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में झाझा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी। उसके बाद से लगातार डॉक्टर नीरज साह झाझा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। आज झाझा विधानसभा क्षेत्र के मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज ये जगह चूज किया गया, सिलेक्शन किया गया। और अभी जस्ट हम लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफलभूत बनाने का काम किया। और ये कार्यक्रम हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता सेनानियों के संवेदना में आज ये घर घरों तक ये मैसेज दिलवाने का काम किया जा रहा है। और इस मेरी माटी मेरा देश के साथ साथ आज भाजपा के झाझा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्य समिति का आज मीटिंग रखा गया है। इसमें बूथ स्तर को कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा की जाएगी और नए नए बहुत कुछ सदस्य जुड़ेंगे, इसकी सारी व्यवस्था की गई है। क्या माना जाए कि जो है जो विधानसभा चुनाव जो होगा 25 में, तो भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे? देखिए, मुझे इस बार पूरी विश्वास है कि इस बार पार्टी मुझे माला पहना के काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी वाले। क्योंकि हम शुरू से भाजपा हैं, भाजपा थे और रहेंगे। पार्टी हमको टिकट ना दे फिर भी मैं भाजपा जुड़ाऊंगा, शुरू से भाजपा लड़ा। झाझा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की आज की बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण है। बैठक में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए और जमुई जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में भारी मतों से बीजेपी को चुनाव जिताने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। बैठक के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज साह ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जमुई जिले के सभी सीट्स को जीतने का सभी कार्यकर्ता संकल्प लें। आज की बैठक में डॉक्टर नीरज साह का मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित होना ये इशारा करता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में डॉक्टर नीरज साह को भाजपा मजबूत प्रत्याशी के रूप में झाझा विधानसभा क्षेत्र से मौका दे सकती है। डॉक्टर नीरज साह के झाझा विधानसभा चुनाव में दावेदारी पर लोकसभा संयोजक विनय पांडे ने भी सहमति दिखाई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आने वाला समय डॉक्टर नीरज साह का होगा। सर ने झाझा विधानसभा कोर कमेटी की बैठक और झाझा विधानसभा जो लक्ष्य भारत सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है लोकसभा और विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने
और झाझा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का जो कि है कार्यकर्ता चुनाव लड़े, जो भारतीय जनता पार्टी जो यानी यहाँ से प्रत्याशी हो और पूरे डॉक्टर आप लगातार कर रहे हैं, क्षेत्र भी दौरा कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है इनको टिकट मिलने का, क्या? बिल्कुल डॉक्टर नीरज शाह जी जिस तरह से संगठन के हित में आज से नहीं विगत 20 वर्षों से संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन के हित में संगठन निश्चित तौर पे जो ये कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे प्रदेश नेतृत्व इस पे विचार कर रही है और डॉक्टर नीरज शाह जी को अगर संगठन निश्चित तौर पे विशेष महत्व दे करके आगे भूमिका जो की है इस विधानसभा में कितनी संभावना मानी जाए कि डॉक्टर साहब को यहाँ से टिकट मिलेगी, क्या संभावना? संभावना ही नहीं, जिस तरह से झाझा के कार्यकर्ताओं का एक मांग है, झाझा के कार्यकर्ताओं में जो उल्लास है, जो जोश है, उसमें निश्चित तौर पे डॉक्टर नीरज शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को संगठित करने के लिए कार्यकर्ता का इनके प्रति जो स्नेह है, निश्चित तौर पे जो कि है आने वाला समय डॉक्टर नीरज शाह जी का होगा। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।